गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एज ए टूल ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के टूल के तौर पर एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है और इसको टूल क्यों कहा जाता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। मार्केटिंग वर्ड बड़ा वास्ट वर्ड है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। जैसे कस्टमर को किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट उसके लिए लाया जाए, तो प्रोडक्ट के आइडिया को डिस्कवर करने से लेकर कस्टमर को फाइनली सेटिस्फाइड करने तक की जो एक लंबी प्रोसेस है, उसे मार्केटिंग कहेंगे। अब इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। इसमें प्रोडक्ट का आइडिया भी आ गया कि अभी तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, अभी तो प्रोडक्ट को बनाने का विचार हमारे मन में आया है, आइडिया आया है, ठीक है। और वो भी आइडिया ऐसे नहीं आता, उसके लिए बड़ी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या चीज़ की डिमांड है आजकल, कस्टमर क्या किस चीज़ को ढूंढ रहा है या कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक रहेगा। अगर हम मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मार्केटिंग जो है, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। इट इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ डिस्कवरी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, एंड इट एंड्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। ओके, तो अब एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है मार्केटिंग के हिसाब से, उसके लिए आप एक ज़रा डायग्राम के ऊपर नज़र डालिए। यहाँ आपको एक मार्केटिंग मिक्स दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, उसको समझाने के लिए मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस करना चाह रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग थोड़ा सा नीचे है। देखिए, मार्केटिंग का क्लियर कर दिया मैंने आपको, अब मार्केटिंग मिक्स के बारे में बता देती हूँ। मार्केटिंग मिक्स का मतलब एक मिक्सचर है, उसमें प्रोडक्ट भी है, प्लेस भी है, प्रमोशन भी है, प्राइस भी है, पीपल भी है, फिजिकल एविडेंस भी है, प्रोसेस भी है। और फिर उसके नीचे अगर आप झांकेंगे तो पाएंगे कि प्रमोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग भी है, पर्सनल सेलिंग भी है, सेल्स प्रमोशन भी है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी है, पब्लिसिटी पब्लिक रिलेशन भी है, और इंटरनेट मार्केटिंग भी है, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब है मिक्सचर ऑफ सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और सम काइंड ऑफ फैक्टर्स और सम काइंड ऑफ इसे आप 4 P's कह सकते हैं, 7 P's है। आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। दीज आर 7 P's जो कि मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स माने जाते हैं। चाय बनाने के लिए आपको उसमें क्या क्या डालना पड़ता है आप देख सकते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली मार्केटिंग मिक्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स का एक बैलेंस बनाना पड़ता है, राइट। जैसे चाय बनाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप दूध कितना डालेंगे, आप चाय पत्ती कितनी डालेंगे, आप उसमें इलायची कितना डालेंगे, तो तभी वो चाय स्वादिष्ट या टेस्ट या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनेगी, राइट। आपका मतलब जो जैसा पर्सन चाय पीना चाहता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएगा ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाय बनाएं वो हो सकता है सामने वाले के टेस्ट के अकॉर्डिंगली ना हो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी हमने देखना है कि जो मार्केटिंग मिक्स का जो हम एक बैलेंस तैयार कर रहे हैं, जो एक कंपोनेंट्स का बैलेंस तैयार कर रही है, वो हमारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाना चाहिए। हमारा कस्टमर ही हमारे लिए यू लगा लो कि भगवान जैसा है, वो ही इज़ ऑलवेज राइट, वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है। तो उसको टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, तो उसके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने ये सारे कॉम्पोनेंट्स का एक मिक्सचर बनाना है, एक ब्लेंड बनाना है, एंड देन उसको पेश करना है, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट जिसको आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका उसका साइज़ क्या है, उसका उसका कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, उसका पैकिंग कैसा है, ब्रांड क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। प्लेस का मतलब यहाँ पर है कि प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल होगा, कहाँ सेल होगी, कहाँ पर इसके इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसका इसका ये जो कि ये कहाँ कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, इसके स्टॉकेट्स कौन कौन से, हम किन किन डीलर्स के या डीलर्स को तो अभी मैं इसमें नहीं जगा दूँगी, ये किस तरीके से और कहाँ पर और कितनी देर में कितनी जल्दी कस्टमर को अवेलेबल होगा,
प्रमोशन का मतलब, अब प्रमोशन है हमारे लिए असली चीज़ जिसके ऊपर हम अभी फोकस करेंगे, तो प्रमोशन का मतलब अपनी प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी सेल करने के लिए हमें दुनिया भर के एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, और उसमें ये सारे एफ़र्ट्स आते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग मेन है, ठीक है। और उसके अलावा फिर है प्राइस, ऑब्वियसली प्रोडक्ट का प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो चीज़ है। देखिए ये वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी मिक्स का जो कस्टमर को प्रभावित करने की पूरी ताकत रखता है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो क्या होगा, दो और कंपटीशन के हिसाब से, अगर कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या रखना चाहिए, और ऑब्वियसली प्राइस आपके लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव जो वेपन का कार्य कर सकता है, जो आपके लिए हथियार का एक टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसके ज़रिए। पीपल, वो लोग जो हमारी मार्केटिंग से कनेक्टेड हैं, जो हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग से कनेक्टेड हैं, चाहे उसमें डीलर है, चाहे उसमें खुद प्रोड्यूसर है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एजेंसीज हैं, ये सब आ जाएंगे इसमें। फिज़िकल एविडेंस का मतलब होता है कि आज की टाइम में आप जैसे अमेज़ोन से सामान मंगवाते हैं तो आप आपको डिलीवरी का टाइम कितना मिला है, आप ट्रैक कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन, आपको बाकायदा बिल की कॉपी पहुंचाई जाती है, वो सब क्या चीज़ें हैं, दैट इज़ फिज़िकल एविडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसकी लोकेशन और उसका उसका एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई सवाल ना खड़ा हो जाए, उसके लिए ये ज़रूरी है। एंड लास्ट वन इज़ प्रोसेस, तो प्रोसेस मीन्स कि कस्टमर तक वास्तव में प्रोडक्ट को पहुंचाने तक की सारी जो भी प्रक्रिया है वो इन्वॉल्व होती है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये इन सारी चीज़ों का एक बैलेंस तैयार करना है। अब एडवर्टाइजिंग का क्या कनेक्शन है सबके साथ, अभी आप देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं सबके साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कनेक्शन इसका दिखाएंगे एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट के बीच में। तो ऑब्वियसली ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट के लिए तो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, है ना। हालांकि ज़रूरी नहीं है, हालांकि आज की टाइम में खाली प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए भी एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट होती है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग और हम यहाँ एक प्रोडक्ट बेचने की बात करें तो हम कमर्शियल वे में जा रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट से रिलेट करेंगे इसको पहले। तो प्रोडक्ट का मतलब किसी वस्तु से है, और वस्तु का मतलब उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसकी ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, क्वालिटी है, उसके आफ्टर सेल सर्विसेज है, उसकी ब्रांड की रेपुटेशन है, उसके अंदर जो भी उसके उसके गुण हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट को किस तरीके से पेश करना है ये विज्ञापन, ये एडवर्टाइजिंग डिसाइड करता है। और प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, जितना क्वालिटी वाइज बढ़िया होगा, और जितना उसका ब्रांड इम्पॉर्टेंट होगा, जितना उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जितना उसकी रेपुटेशन मार्केट में बनी होगी, उतना आसान रहेगा विज्ञापन बनाना भी और फिर उसके ज़रिए जो है अपनी बात को रखना भी, ठीक है। प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में जो कनेक्शन है वो इन चीज़ों से उभर कर सामने आता है, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का टाइप क्या है और प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके के कस्टमर के लिए है। अगर प्रोडक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत महंगा है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा है तो वो महंगा भी होगा। अभी गोल्ड जो होता है वो छोटी सी चीज़ है लेकिन वो महंगी होती है। आपके घर में एक फ्रिज है वो बड़ी सी चीज़ है लेकिन गोल्ड के कंपैरेटिवली थोड़ी कम महंगी है कि नहीं बात। तो ज़रूरी नहीं है कि साइज़ और उसका प्राइस का कोई कनेक्शन होता है डायरेक्ट, नहीं, कई बार नहीं भी होता। तो हम जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे फाइनल कंज्यूमर के लिए है। अब हमें ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसका टाइप क्या है, क्या वो इंडस्ट्रियल गुड है, क्या वो फाइनल या वो जो हमारे डोमेस्टिक यूज़र के लिए है, ठीक है, क्या वो आम आदमी के लिए है, क्या वो सेलिब्रिटीज़ के लिए है, क्या वो रिच कैटेगरी के लोगों के लिए है, क्या वो मिडिल फैमिलीज़ के लिए है, क्या वो ऐसी वस्तु है जो सब लोग फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, या एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभार और कुछ ही लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट का टाइप हमें पता हो, उसके हिसाब से ही फिर विज्ञापन तैयार करेंगे ना। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जिस तरीके से एक ह्यूमन बींग की स्टेज होती है ना, कि वो एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, टीनेजर बनता है, फिर वो एडल्ट होता है, मैच्योरिटी में आता है, फिर
एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो जिस तरीके से एक इंसान की साइकिल है, लाइफ साइकिल है ना, सिमिलरली हर प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। अब कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, अगर मैं मोटे तौर पे बताऊँ तो प्रोडक्ट की चार लाइफ साइकिल होती हैं, चार स्टेजेस होती हैं। लाइफ साइकिल तो एक ही है, स्टेजेस चार है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट का परिचय, यानी कि जब मार्केट में प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च किया जाता है, दैट इज़ इट इज़ इट्स इंट्रोडक्टरी स्टेज। ओके, ये इसकी परिचय अवस्था है। तो अब इसमें क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में आता है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को पहले से कोई जानता नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद होता है इसका ग्रोथ, इसकी मेच्योरिटी। ग्रोथ और मेच्योरिटी में जब आ जाता है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली ये इसे लोग पहचानने लगते हैं, लेकिन हमें तब भी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, बट उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालाँकि विज्ञापन अभी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। जुड़ तो गए हैं पर आगे भी जुड़े रहें, ये कोशिश करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है पतन, यानी कि डिक्लाइनिंग। तो जब प्रोडक्ट का सेल बिल्कुल डाउन हो जाता है और मार्केट से एक तरीके से ऑब्सोलीट होने वाली कंडीशन में है, यानी कि अब उसको लोग अब नापसंद करने लगे हैं, क्योंकि उसके ऑल्टरनेट मार्केट में बहुत आ गए हैं, तो अभी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बिल्कुल अपने, जैसे कहते हैं ना, मरने की स्थिति में है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में है। इन दैट केस कि आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, अब कुछ हो नहीं सकता। जिस तरीके से कि बीमार आदमी को के बारे में डॉक्टर कह सकते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान से प्रार्थना करो, दैट्स ऑल, तो अभी इनके दिन बहुत कम है। वही बात यहाँ पे भी है कि अगर पतन की अवस्था में हम प्रोडक्ट को ले आए हैं तो फिर कुछ हो नहीं सकता, फिर विज्ञापन हो या कुछ भी हो, कोई उसको इम्प्रूव करना बड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है। तो उस केस में हम विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो पहले भी बोला है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको विज्ञापन बनाने में, क्यों, आपके पास इतना सॉलिड रीज़न है ना उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए और अपने लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। आप पब्लिक को एक रैशनल थिंकिंग के लिए कंपेल कर सकते हो कि भाई आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो तो देखिए इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि ये दूसरों को कैसे पीछे छोड़ रही है। तो एक माइंडसेट ऐसा लोगों का बना दिया जाए कि और उनको ये दिखाया जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, वेरी मीनिंगफुल, और आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होने वाला। तो एक रैशनल अप्रोच, एक रैशनल अपील आप लोगों के आगे कर सकते हैं, और उसमें बड़ी कम कॉस्ट आती है। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का हमने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि ब्रांडिंग का मतलब यहाँ पर कि कोई भी पर्टिकुलर नाम, आइडेंटिफिकेशन या लोगो या कोई मार्क देने से है। और जिस प्रोडक्ट का ब्रांड जितना फेमस होगा उसके लिए एडवर्टाइजिंग करना उतना आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोग तो पहले से ही पहचानते हैं, तो एक बड़ा फ्लो में चलेगा काम। लेकिन अगर कोई भी ब्रांड बिल्कुल नया है मार्केट में तो उसकी पहचान साबित करने में, पहचान बनाने में एडवर्टाइजिंग के लिए काम बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर आ रहा है एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग। अब पैकेजिंग का एडवर्टाइजिंग के साथ क्या कनेक्शन है, आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, आप अच्छा पैकेजिंग का मतलब पहले देख लेते हैं। पैकेजिंग जो एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वस्तुओं को पैक किया जाता है, और आजकल तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पर हर चीज़ पैक्ड होगी, आपको कोई लूज़ चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर हुआ करते थे जहाँ पर हर चीज़ आपको लूज़ मिल जाती थी, आपको लूज़ शुगर मिल सकती है, आपको लूज़ दालें मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे वहाँ पर आपको हर चीज़ पैकिंग में मिलेगी, और वो देखने में भी अच्छी लगती है, सेफ भी लगेगी, और मतलब एक तरीके से वो बड़ा जैसे मैसी नहीं होता है, कुछ क्राउडेड सा नहीं लगता है, कि बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हमें जो उसकी पैकिंग है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। और पैकिंग के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोडक्ट के बारे में हमें बताती है, तो पैकिंग में लिखा हुआ जो मटेरियल है वो भी अपने आप में किसी ना किसी रूप में इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में ही तो बता रहा है ना। और एडवर्टाइजिंग क्या है, वो भी यही चीज़ है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है, चाहे वो उसका मूल्य हो, उसकी प्राइस हो, चाहे वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं वो हो। तो पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग का भी एक तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की पोजिशनिंग का मतलब है कि कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की क्या इमेज है, क्या स्थिति है, इस समय वो कौन सी स्थिति में उसको देख रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट को किस नज़रिए से देखता है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अगर इसकी पॉपुलैरिटी मार्केट में पहले से है तो वेल एंड गुड, और अगर इसकी पब्लिसिटी नेगेटिव हो रखी है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये तो हो गया प्रोडक्ट के साथ कनेक्शन, अब आता है एडवर्टाइजिंग और प्राइस का कनेक्शन। तो प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्राइस कम है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, आप सेम चीज़ को दूसरों के कंपेरेटिवली कम प्राइस पर दे रही हैं। लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा ही है, कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस ज़्यादा भी होता है बट फिर भी हमें विज्ञापन तो करना ही है, और अगर उसमें प्राइस ज़्यादा को आप ये मानकर चलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा महंगी चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर महंगी है तो अच्छी होगी, राइट। ये एक तरीके से स्टेटस सिंबल भी है लोगों के लिए कि महंगी चीज़ लेना प्रेफर करते हैं, ये उनके गौरव, उनका उनका एक तरह से उन्हें प्राउड फील होता है, और उनको ये भी लगता है कि क्वालिटी वाइज ज़्यादा पैसा देने का मतलब अच्छी चीज़ लेना है। इस चीज़ को आप हथियार बना सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो आप इस चीज़ को अपनी एक तरह से अपना स्लोगन बना सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और प्लेस का कनेक्शन, प्लेस का मतलब यहाँ पर अच्छा कौन लोग कनेक्टेड हैं हमारे से, जो डीलर हैं, होलसेलर हैं और रिटेलर हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट को वापस कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई फेमस ब्रांड है तो हर आदमी उसके साथ जुड़ना चाहेगा, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग उसके साथ जुड़ने में गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि उसमें ये भी है कि कई बार हम इन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी या इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमें जो है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग को उस तरीके से करना पड़ता है कि ये लोग हमारी तरफ आकर्षित हों और हमारे प्रोडक्ट की सेल में योगदान दें। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल टूल्स। अब अदर प्रमोशनल टूल में आपको मैं वापस एक बार वहाँ ले जाना चाह रही हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे प्रमोशनल टूल में एडवर्टाइजिंग तो है ही है, पर्सनल सेलिंग जो आपका डोर टू डोर सेल्समैन आकर आपको सेल करता है, सेल्स प्रमोशन जैसे डिस्काउंट ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री है, दीज और क्लियरेंस सेल है, दैट इज सेल्स प्रमोशन। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग में होता है कि जैसे आप अपनी मेल खोलिए और आप फेसबुक या आपके मैसेजेस का कॉलम खोलेंगे आप अपने फ़ोन में, तो आप देखेंगे कि कई प्रोडक्ट्स के बारे में आपको आपको फ़ोन भी आता होगा कभी बैंक से लोन के लिए या कभी कहीं से, और कई बार आपको मेल्स आती हैं, दिस इज़ नॉन एज डायरेक्ट मार्केटिंग। तो वो अपने आप ही आप लोगों को सर्च करके और आप तक पहुंचते हैं और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं, चाहे आप अमेज़ोन की बात कर रहे हैं, चाहे आप इवन अगर आपने गूगल भी 2 बार और दिन में ओपन कर लिया है तो आपके पास देखना कि गूगल वहाँ से भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐड के मैसेज आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, दिस इज़ नॉन एज डायरेक्ट मार्केटिंग। पब्लिसिटी आपको बता ही दिया है, पब्लिसिटी पेड फॉर्म में नहीं होती है, पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली अपने आप ही दूसरे लोग आपके लिए कर देते हैं। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। पब्लिक रिलेशन जैसे कस्टमर केयर आप देख सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी चीज़ से तो आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं, या आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एक बाकायदा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के नाम से एक पोस्ट होती है जिसका काम लोगों के साथ संबंध और अच्छे संबंध बनाकर रखना है। इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में आपको क्या बताना वो आप अच्छे से जानते ही है, इंटरनेट यानी कि नेट के ज़रिए जो मार्केटिंग की जाती है। नाउ हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे प्रोमोशनल टूल्स की। तो एडवर्टाइजिंग का कनेक्शन सबसे है, कहीं पे भी जैसे मान लीजिए पब्लिसिटी अगर नेगेटिव है तो एडवर्टाइजिंग उसको इम्प्रूव कर सकता है, अगर पॉजिटिव है तो एडवर्टाइजिंग उसमें और जैसे कहते हैं ना आग में घी का काम, वो वाला काम कर सकता है। और पर्सनल सेलिंग है, अगर आपके घर पे कोई सेल्समैन कोई चीज़ बेचने आया और वो चीज़ का ऐड आप ऑलरेडी टीवी पे देख चुके हैं तो वो जो सेल्समैन है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है। इस तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर चीज़ से ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन को में सर्वाइव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडवर्टाइजिंग को यूज़ करें और इसको बढ़िया ढंग से यूज़ करें, और आप अपने प्रोडक्ट का भी और अपने और जितने भी आपके पास
पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करें अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, तभी आप एड कॉम्पिटिशन में रह सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, और मार्केट का मतलब यहाँ पर मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटने से है। अच्छा, क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये हमारा प्रोडक्ट हर आदमी यूज़ करेगा, नो। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ रिच लोगों के लिए है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ बच्चों के लिए है। अब आप देखिए, क्या एक मैन्युफैक्चरर हर प्रोडक्ट हर आदमी के लिए बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ता है, यानी मार्केट को टुकड़ों में बांटना पड़ता है। ठीक है, अगर हम कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं मान लीजिए, तो कॉस्मेटिक्स में हम लेडीज़ का नाम लेंगे क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, राइट। अब लेडीज़ में भी यही है कि कुछ जो है वर्किंग लेडीज़ हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, तो टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, और क्योंकि उनकी आय यानी कि इनकम का जो लेवल है वो अलग अलग होता है, इसलिए वर्किंग लेडीज़ के लिए कॉस्मेटिक्स का जो एक रेंज होगी वो आप डिफरेंट देखेंगे। हाउसवाइफ्स के लिए या फिर ये लगा लीजिए कि जो मिडिल लेवल के लोग हैं या जो लोअर क्लास के हैं, उसका कॉस्मेटिक्स का जो सिलेक्शन होगा और टेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट को टुकड़ों में बांटना पड़ता है, और हर टुकड़े को तो आप ध्यान नहीं दे सकते, तो यू विल हैव टू चूज अ टारगेट। हमारा टारगेट कौन सा टुकड़ा होगा, कौन सा सेगमेंट होगा? अगर हमारा टारगेट लेडीज़ हैं और वर्किंग क्लास हैं, देन हम उस पर फोकस कर सकते हैं, राइट। सारी दुनिया की लेडीज़ को हम फोकस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर तरह के लोग हैं दुनिया में, हर तरह की लेडीज़ हैं, सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक एक महिला के लिए अलग अलग कॉस्मेटिक तैयार करेंगे, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर आपने एक ग्रुप को सेलेक्ट किया है तो उस ग्रुप के लिए भी आप एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे ना, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, मतलब सबके लिए एक जैसी टेस्ट का प्रोडक्ट बनाएंगे, मेरा मतलब कहने का ये है। तो एडवर्टाइजिंग का मार्केट सेगमेंटेशन के कनेक्शन मैं बताना चाह रही हूँ, आपका एडवर्टाइजिंग किस टारगेट को लेकर है? बच्चों के लिए है तो आपकी एडवर्टाइजिंग में थोड़े कलर्स का इस्तेमाल होगा, थोड़े कार्टून्स का इस्तेमाल होगा। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो लेडीज़ के लिए है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि फैशनेबल चीज़ों का इस्तेमाल होगा। लेडीज़ जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर या जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, महिलाएँ हैं स्पेशली, जो उन लोगों को एज ए मैसेंजर जो है एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट के हर एरिया को यू कांट कैप्चर, राइट। सो यू विल हैव टू डिवाइड द होल मार्केट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड यू विल हैव टू चूज वन पार्ट और टू पार्ट, जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, यानी जितना आपका बड़ा बिजनेस है उस हिसाब से आप मार्केट के उस पार्ट को चूज़ कर सकते हो, और फिर आप उसको फोकस करते हुए अपना विज्ञापन तैयार करेंगे, राइट। तो अब ये जो एडवर्टाइजिंग है ये कई तरह की होती है, जैसे जो मार्केटिंग में हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड लिखा है केंद्रित विपणन रणनीति, मतलब क्या है? सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इट मींस कि अब ये वो प्रोडक्ट है जिसमें आपने एक टारगेट चूज़ किया, मार्केट का एक सेगमेंट चूज़ किया, और आपने उसको टारगेट करते हुए अपनी स्ट्रेटजी तैयार करी, उसी के हिसाब से अपने विज्ञापन बनाया। अब आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ मैं, भेदभावपूर्ण, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने, डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ियाँ बना रहे हैं लेकिन मार्केट में हर तरह के लोग हैं, कोई छोटी गाड़ी लेना पसंद करेगा, किसी का बजट 5 लाख और 10 लाख के बीच का है, किसी का बजट 50 लाख तक का भी हो सकता है। अब एक ही कंपनी अगर गाड़ियों के 4 मॉडल लेके आ रही है और वो मैक्सिमम पार्ट को कवर करना चाहती है, तो वो 4 पार्ट लाने का मतलब ही यही है कि वो हर तरह के इनकम ग्रुप को कवर करना चाहती है। वो लोग जो 2 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं, वो लोग जो 10 लाख तक की ले सकते हैं, वो भी हैं जो 10 से 20 के बीच में जा सकते हैं, वो भी हैं जो 50 लाख की भी गाड़ी ले सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि वैरायटी है प्रोडक्ट की, तो हमारा विज्ञापन भी फिर उसके हिसाब से ही बनेगा, ठीक है ना।
ये तो हो गई। अब आ रहा है भेदभावहीन, अब डिफ्रेंशिएट नहीं करना। मान लीजिए अब नमक की ऐड देखते हैं, कि नमक क्या सिर्फ अमीर लोग खाएंगे, गरीब नहीं खाएगा? नहीं। क्या नमक सिर्फ वो पर्सन खाएगा जिसकी 10 लाख रुपए इनकम है, जिसकी अगर महीने में 2,000 रुपये सैलरी है, क्या वो नहीं खाएगा? डेफिनेटली वो भी खाएगा। और इसमें ये भी देख सकते हो कि नमक का जो कंजम्पशन है वो अमीर गरीब का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि उसके लिए स्ट्रेटेजी ऐसी कोई मुश्किल है ही नहीं। आप इसमें पूरी मार्केट को कवर कर सकते हैं, राइट? और उसमें आपको कोई डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कैटेगरी का, हर वर्ग का, हर चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हर आदमी लेगा, ठीक है? उसके लिए आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसा प्रोडक्ट होगा और जैसा आपका मार्केट का सेगमेंट होगा, तो आपका जो स्ट्रेटजी होगी उस हिसाब से तैयार होगी, उसी हिसाब से आपका एडवर्टाइजमेंट तैयार होगा, ठीक है? तो इसमें आपने ये देखा कि जो विज्ञापन का संबंध दूसरों से किस तरीके से है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रीसेंट ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। तो अभी एडवर्टाइजिंग के रीसेंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे कि पहले के कंपैरेटिवली आजकल एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एमएनसी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अब एक बड़ा बजट का एक बड़ा पार्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं। क्यों? बिकॉज इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इमरजेंस ऑफ न्यू मीडिया, नया नया मीडिया ऐड हो गया है। पहले समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अलावा कुछ खास था नहीं, बोर्ड्स थे या फिर दीवारें थी जहाँ पे आप पेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ अब ऑनलाइन मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, FM है, पहले सिंपल विविध भारती और आप जो भी रेडियो सुनते थे, लेकिन अब FM के आने से आप देखोगे मीडिया को कितना सहारा, मीडिया कितना एडवांस्ड हो गया है। इंक्रीजिंग सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग, तो बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े जो हमारे मॉडल्स हैं, जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं, ऋतिक रोशन है, सानिया मिर्ज़ा हैं, और इतने नाम मैं गिना सकती हूँ आपको। तो ये सब का इस्तेमाल, इन सब लोगों के जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एडवर्टाइजिंग, अच्छे कैमरे का इस्तेमाल है, अच्छे साउंड सिस्टम है, और कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है, एनिमेशन है, ये टेक्नोलॉजी लाने से एडवर्टाइजिंग का रूप ही बदल गया है। चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन एंड एडवर्टाइजिंग, पहले और अब के जमा टाइम में जो स्त्रियों का रोल, वीमेन का जो रोल है वो काफ़ी बदल गया है। अब वीमेन को एक स्ट्रांग वीमेन के तौर पे देखा जाता है, वो बेचारी अबला नारी के तौर पर नहीं देखा जाता। अब उसका इस्तेमाल पहले तो ग्लैमर के लिए किया जाता था, लेकिन अब स्ट्रांगनेस के लिए, अब अपने करियर के प्रति उसको अवेयर दिखाया जाता है लेडीज़ को। अब इकोनॉमिकली वो जो है इंडिपेंडेंट दिखाई जाती हैं। तो एडवर्टीजमेंट में इनका रोल जो भी काफ़ी बड़ा है। स्टीरियोटाइपिंग चेंज, रोल चेंज हुए हैं, जैसे मैं अभी अभी बता रही थी ना, लेडीज़ का रोल जो है वो डिफरेंट हो गया है। सिमिलरली आप देखोगे कुछ एड्स ऐसी हैं जिसमें वृद्ध यानी एडल्ट लोगों को दिखाया जाता है, जो अब बेसहारा एंड वो बेचारे वाली फॉर्म में नहीं आते, अब वो अपने बुढ़ापे को लेकर आत्मविश्वास है उनके अंदर, एक एक उनके अंदर एक एक विल पावर है, एक जीने की मतलब एक इच्छा है, इस तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता है। और लेडीज़ का मैंने आपको बता ही दिया है। बच्चों को भी एक स्मार्ट बच्चों की तरह दिखाया जाता है। अब जो बच्चे जो है करियर को लेकर कॉन्शियस हैं उनको दिखाया जाता है, इस तरह से भी क्या प्रॉब्लम, उनका यूज़ किया जाता है। मोर क्रिएटिविटी, तो अभी जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देखोगे आपको पहले के कंपेरेटिवली आज के एडवर्टीजमेंट्स में ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र आएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मोर यूज़ ऑफ इमोशनल अपील। तो ये पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम उसमें कोई इमोशनल टच ले आते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो वो हमारा काम आसान कर देता है। जैसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के तौर है, जैसे LIC का है, जैसे जैसे प्रूडेंशियल ICICI या बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना, ना FDs बनवाना, ये सब रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने जो भी ओल्ड एज को आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हम एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक को कोई अनाउंसमेंट करना चाह रही है, पब्लिक को अवेयर करना चाह रही है किसी बीमारी को लेकर, किसी अधिकार को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, पटाखों को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, फीमेल फोर्टिसाइड को लेकर,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की को आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन कमर्शियल एड्स में आती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इंक्रीजिंग रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। एजेंसीज का रोल भी पहले से बढ़ गया है। अब तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कहीं घूमने जाना है तो हम क्या करते हैं, हम एक पैकेज ले लेते हैं। सिमिलरली अगर हमने अपने अपने प्रोडक्ट की ऐड करानी है तो हम सारी जिम्मेदारी एक एजेंसी पर डालते हैं जो हमारे बिहाफ पर हमारा सारा काम अच्छे से करती है। सो देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी डन अंडर एडवर्टाइजमेंट एंड बहुत सारे लोग हैं जो हमारी इसमें मदद करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।